साथियों, एंटरप्रेन्योरशिप में ये इंक्लूसिवनेस, ये आर्थिक समावेश ही सही मायने में सामाजिक न्याय है। क्या आपने कभी सोचा था कि रेहड़ी ठेले पटरी पर अपना छोटा सा काम करने वाले साथियों को बैंकों से ऋण मिलेगा? मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं जी, जिस बैंक मैनेजर के घर में सालों से जो सब्जी पहुंचाता होगा, सालों से अखबार उनके यहां डालता होगा, उसको भी शायद उस बैंक वाले ने कभी लोन नहीं दिया होगा, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि उसका अविश्वास था, उसका मतलब यह नहीं कि उसको कुछ मिले चाह, लेकिन एक ऐसी सोच का दायरा बन गया था कि इसके बाहर नहीं निकल सकते। आज वो रेड़ी पटरी वाले बैंक के दरवाजे पर जाके खड़े रहते हैं, बिना गारंटी पैसा दिया जाता है उनको। और स्कीम का नाम है स्वनिधि। आज पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाखों ऐसे साथियों को सिर्फ ऋण ही नहीं मिल रहा, बल्कि उनके छोटे कारोबार को बड़ा करने का रास्ता भी मिला है। हमारे जो साथी गांव से शहर आते हैं, सरकार इनको एक साथी की तरह सपोर्ट कर रही है, और ये मेहनत करके अपने परिवार को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी, अगर मैं आपको कहूं कि आप डिजिटल पेमेंट कीजिए, तो आप 50 बार सोचेंगे, डिजिटल पेमेंट करूंगा तो रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा तो मोदी देखेगा, मोदी देखेगा तो किसी इनकम टैक्स वाले को भेजेगा, इसलिए डिजिटल नहीं करूंगा। आपको खुशी होगी, सब्जी दूध बेचने वाले मेरे ठेले वाले डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट। और मैं मानता हूं दोस्तों, इस प्रगति में हमें शरीक होना है, इस प्रगति का आपको नेतृत्व करना है। आगे आइए दोस्तों, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। यही सच्ची प्रगति है, यही सही विकास है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े अपने हर भाई बहन को ये विश्वास दिलाता हूं, सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीतियां बनाने के लिए तैयार है, निर्णय करने के लिए तैयार है, और प्रोएक्टिवली आपका हाथ पकड़कर चलने के लिए तैयार है। आप आगे आइए दोस्तों। उद्यमी की हर सिद्धि, और मुझे उसमें कोई दुविधा नहीं है, आत्मनिर्भर भारत की प्राण शक्ति इसी में है दोस्तों, आप ही में है, आपके पुरुषार्थ में है। और मेरा देश के एमएसएमई सेक्टर पे, आप सब पर, देश की युवा पीढ़ी में, और विशेष करके हमारी बेटियां जो साहस के साथ आगे रही है, उन पर मेरा भरोसा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश अपने सारे सपनों को अपनी आंखों के सामने सिद्ध होते हुए देखने वाला है।